सारी क्लियरिटी करेंगे टॉपिक्स में कि किस टाइप से किस रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स नो ही रिएक्शन बनती है और मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से बताऊंगी कि आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने वीडियो को नए है चैनल पे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें। और फ्रेंड्स मैं आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन बताना भूल गया था, जो मेन क्वेश्चन है कि ज़ीनोन और ऑक्सीजन की एक सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बेसिक क्वेश्चन में काम आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप हमने टारगेट सीबीएसई 2020 ले रखा है तो हम मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थ्योरी सारी इसमें कवर होती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, मेन रिएक्शन है कि व्हेन ज़ीनोन और ज़ीनोन इज रिएक्ट विद PtF6। जब ज़ीनोन PtF6 के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास ये क्या करता है, Ze पॉजिटिव आ गया। देखो अब PF6 नेगेटिव आ गया, यहां भी सेम है, ये जो है ये पॉजिटिव आएगा, ये जो है नेगेटिव आएगा, और दोनों के दोनों रेड कलर कंपाउंड बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की ज़ीनोन हो या ऑक्सीजन के दोनों की सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, तभी ये पॉजिटिव कंपाउंड बना रहे हैं और तभी ये नेगेटिव कंपाउंड बना रहे हैं। इतनी बात समझ आनी चाहिए, क्योंकि सेम चीज यहां से लिख के लिए इस पे पॉजिटिव साइन लगा दें बस। अब देखो 2XeF2 बिकॉज़ व्हेन ज़ीनोन डाइफ्लोराइड रिएक्ट विद वाटर, तो जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, जब रिएक्ट करेंगे तो 2XE पहले हम अलग से लिख लेंगे। देखो 2XE आपने अलग से लिख लिया, ये देखो ये लिख लिया, और उसके बाद हमने क्या करा, 2XE अलग लिखा और दो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन हमने दोबारा अलग लिखी। अब क्या है, 2 2s 4 और 2 2s 4, तो दोनों में 4 है तो HF आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ने बताई। नेक्स्ट ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड, तो ये देखो 2XE हमने पहले लिख लिया, 2O सेम तरीके से लिख लिया। अब क्या है, ये करो क्या कॉमन हो गया, 2 2s 4 कॉमन लिया H। अब फ्लोरीन में कितना, 2 4s 8, अगर आपने 4 कॉमन लिया है तो H में कितना होना चाहिए, 2 4 2s 8। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, अब ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड रिएक्ट विद वाटर, ये हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तो देखो XE क्या आएगा, XeO3, XE तो यहां है, ये ऑक्सीजन में गया तीसरा, तो XeO3 आ गया, कितना बचा, हाइड्रोजन बचा प्लस फ्लोरीन बचा, 3 2 का 6, तो 6 टाइप हाइड्रोजन और फ्लोरीन भी कितना है, 6 है। ठीक है, अब मैं ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड को हाइड्रोलाइज करूंगा तो क्या आएगा, XE आपका आ गया, ऑक्सीजन आपका आ गया इसमें, और फ्लोरीन, आपको देखो आपको क्या अच्छा पता लगेगा, आपको ऑक्सीजन कितनी बनाएगी, जितने हाइड्रोजन है, जितने हाइड्रोजन होंगे आप उतने ऑक्सीजन बनाएंगे, तो हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितनी बनाएंगे, फ्लोरीन कितना बनाएंगे, 2, तो 4 फ्लोरीन आ गए यहाँ पे इसके पास, और 2 बचे तो 2HF इसका कॉमन आ गया। एक बार दोबारा समझाते हैं इस वाले को, आपने 2 जितने हाइड्रोजन है उतने ही फ्लोरीन साथ में लेना है, क्योंकि फ्लोरीन और हाइड्रोजन का साथ में ही बॉन्ड बनेगा, तो हमारे पास क्या है कि 2 हाइड्रोजन है तो 2 हमने 2HF ले लिया कॉमन करके। अब बचा के फ्लोरीन कितने, अगर 2 फ्लोरीन यहां आ गए, 2F2 आ गया, तो हमें 4 फ्लोरीन बचे हैं, 4 फ्लोरीन यहां आ गया, ज़ीनोन एक ही है और O एक ही है। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास ज़ीनोन दोबारा आ गया, O2 आएगा दोबारा, और अब देखो अब हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, आपको अंदाजा हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 है, तो यहां फ्लोरीन कितने, 6, तो हमें 2 फ्लोरीन हम इसको दे देंगे और ये आएगा 4HF। आया समझ, ये आपको समझ आ गया होगा। XeF2 जब रिएक्ट करता है PF6 साथ, तो XeF2 का मतलब है इसमें से हम एक लूज करते हैं, तो XeF2 तो क्या बचेगा, XeF, और अगर लूज करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव, और PF6 एक प्लस ले लिया तो नेगेटिव आएगा, जो ये लूज करेगा वो प्लस आएगा। XeF4 यहां भी सेम आएगा, एक लूज कर देगा ये, XeF4 है तो क्या आएगा, 3 आएगा, ये आएगा पॉजिटिव, और SbF6 नेगेटिव। अब देखिए फ्रेंड्स लास्ट XeF6 कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये फ्लूइड दे देंगे, M आ गया बाहर कॉमन, और यहाँ पे कुछ तो है ही नहीं, XeF6 ये 7 कॉमन लेंगे, तो जो कैरी लेता है वो क्या करता है, नेगेटिव, XeF6 और 7 नेगेटिव। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात करना चाहूंगा, ये मेरा लेक्चर था जो बहुत अच्छा है, आपको पता होगा अच्छा है। फ्रेंड्स मैं तो अपने तरीके से पूरी 100% कोशिश करता हूँ कि आपको मैं फुल 100% नॉलेज दूँ, जिससे आपके पास बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे केमिस्ट्री में 95 प्लस थे फ्रेंड्स मार्क्स, तो आप भी 90 प्लस ज्यादा स्कोर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।